कृषि वेस्ट एग्रीगेटर के कोर्स में आपका स्वागत है। हम मॉड्यूल कृषि वेस्ट कलेक्शन के लिए नोडल पॉइंट की स्थापना और यूनिट कलेक्शन पॉइंट्स स्थापित करना कोर्स से शुरू करते हैं। कोर्स शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, कृषि वेस्ट कलेक्शन के लिए नोडल पॉइंट की स्थापना मॉड्यूल में आपका स्वागत है। अब हम एग्री वेस्ट एग्रीगेटर के अगले महत्वपूर्ण कदम पर चर्चा करेंगे। कृषि वेस्ट स्टॉक को इकट्ठा करने के लिए नोडल पॉइंट स्थापित करने के लिए एग्रीगेटर को कई कार्य करने होंगे। एग्रीगेटर को उस क्षेत्र का आकलन और पहचान करनी चाहिए जहां कलेक्शन पॉइंट स्थापित किए जाने चाहिए। फिर स्टॉक इकट्ठा करने के लिए कलेक्शन पॉइंट को स्थापित करें, जिसके बाद एग्रीगेटर को सर्वोत्तम संभव लागत पर माल के अधिग्रहण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिग्रहण के महत्वपूर्ण पहलू गुणवत्ता, मात्रा, समय और स्थान हैं। कृषि वेस्ट एग्रीगेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि औजार, उपकरण और परिवहन नोडल पॉइंट पर उपलब्ध हों और सूची का प्रबंधन करें। इस मॉड्यूल में मैं आपको कृषि वेस्ट संग्रह के लिए नोडल पॉइंट की स्थापना में शामिल विभिन्न चरणों पर मार्गदर्शन करूंगा। इस मॉड्यूल के पूरा होने के बाद आप निम्न कार्य करने में सक्षम होंगे: किसानों और आपूर्तिकर्ताओं से कृषि वेस्ट इकट्ठा करने के लिए संग्रह पॉइंट को स्थापित करने में, सर्वोत्तम संभव कीमतों पर कृषि वेस्ट प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करने में, कृषि वेस्ट को कैसे बनाए रखा जाए। कलेक्शन पॉइंट स्थापित करना कृषि वेस्ट एकत्रीकरण में एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। यह उन स्थानों से संबंधित है जहां कृषि वेस्ट को रखा जाता है और आगे की प्रक्रिया के लिए संभाला जाता है। आइए विवरणों को देखें और कलेक्शन पॉइंट्स को स्थापित करना सीखें। इस यूनिट को पढ़ने के बाद निम्न बातों को समझ पाएंगे: कलेक्शन पॉइंट स्थापित करने के लिए क्षेत्र की पहचान करना, कलेक्शन पॉइंट की उचित स्थापना के स्टेप बताना, कलेक्शन पॉइंट पर प्रयोग होने वाले औजारों और उपकरणों की पहचान करना। आइए हम समझते हैं कि कलेक्शन पॉइंट क्या हैं और वह कारक जो एक अच्छे कलेक्शन पॉइंट में होने चाहिए। कलेक्शन पॉइंट वह क्षेत्र होता है जहां किसानों द्वारा कृषि रेजिड्यू को खेतों से लाकर रखा जाता है। कृषि रेजिड्यू एग्रीगेटर को किसानों की सुविधा और साथ ही मौसम यानी धूप, बारिश आदि के संपर्क में आने को ध्यान में रखते हुए कृषि रेजिड्यू को एकत्र करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र की पहचान करनी चाहिए। कृषि रेजिड्यू की मात्रा के आधार पर प्रत्येक गांव में केंद्र में स्थित एक या एक से अधिक कलेक्शन पॉइंट हो सकते हैं। एक अच्छे कलेक्शन पॉइंट का चयन विचार करने के लिए मुख्य कारक पहचान करना, सुविधाएं, उपयुक्तता, पहुंच। अधिक जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। आइए अब समझते हैं कि कलेक्शन पॉइंट कैसे सेट किए जा सकते हैं। कलेक्शन पॉइंट के लिए उपयुक्त क्षेत्र की पहचान हो जाने के बाद कृषि वेस्ट एग्रीगेटर को उस क्षेत्र विशेष के किसानों से स्टॉक इकट्ठा करने के लिए कलेक्शन पॉइंट की स्थापना के लिए कदम उठाने चाहिए। नीचे चित्र में ऐसे कलेक्शन पॉइंट दिखाए गए हैं। क्षेत्र की पहचान करने और विभिन्न गांवों में विभिन्न किसानों से कृषि वेस्ट के संग्रह के लिए नोडल पॉइंट स्थापित करने के बाद कृषि वेस्ट एग्रीगेटर को किसानों को इसके बारे में सूचित करना चाहिए। आइए अब कलेक्शन पॉइंट स्थापित करने में शामिल चरणों को समझते हैं। अधिक जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। एक बार कलेक्शन पॉइंट को विभिन्न गांवों में स्थापित करने के बाद कृषि वेस्ट एग्रीगेटर को किसानों से संपर्क करना चाहिए। आइए इस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं: उपलब्धता की जाँच, आकलन, ऑर्डर, शेड्यूल। अधिक जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। सप्लाई करने वालों और किसानों को ऑर्डर देने के बाद कृषि वेस्ट एग्रीगेटर को संग्रह के लिए तय किए गए नोडल पॉइंट पर आवश्यक औजार और उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।
काम में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपकरण नीचे दिए गए हैं। अधिक जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। ध्यान दें, यदि काटने वाली मशीन की जरूरत है तो रेकर को शामिल करें। रेकर ट्रैक्टर से जोड़ा जाने वाला कृषि यंत्र होता है, जिसका प्रयोग पुआल, डंठल आदि काटने के लिए होता है। रैक मशीन को देखने के लिए टैब पर क्लिक करें। आइए अब हम एक अवधारणा को समझने के लिए एक वीडियो देखते हैं, जैसे कलेक्शन पॉइंट को पहचानना और स्थापित करना। औजारों और उपकरणों की एक सूची दिखाई जाएगी और प्रत्येक का प्रयोग कैसे किया जाता है यह भी दिखाया गया है। प्रत्येक उपकरण को संचालित किया जाएगा और एक एक करके दिखाया जाएगा। एक कलेक्शन पॉइंट स्थापित करने के लिए पहला कदम एक सुविधाजनक स्थान की पहचान करना है। यह महत्वपूर्ण है कि वेस्ट को बचाने के लिए मशीन, उपकरण और कवर जैसी सुविधाएं इस स्थान पर आसानी से उपलब्ध हों। यह क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जहां कोई पर्यावरण समस्या न हो। साथ ही इस क्षेत्र का आकार पर्याप्त होना चाहिए। एक छोटा कलेक्शन पॉइंट पर्याप्त वेस्ट नहीं रख पाएगा। अंत में किसानों को यहां आसानी से पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। एक उपयुक्त स्थान की पहचान होने के बाद एक कलेक्शन पॉइंट स्थापित किया गया है। अगला कदम विभिन्न गांवों में वेस्ट एकत्र करने के लिए नोडल बिंदु स्थापित करना है। एग्रीगेटर को वेस्ट संग्रह में आपूर्तिकर्ताओं की मदद करने के लिए उपयुक्त औजारों और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही उसे आवश्यक सहायकों की संख्या का अनुमान लगाना चाहिए। आवश्यक उपकरण हैं तराजू, बेलर, रेक, फोर्कलिफ्ट और ट्रैक्टर। आइए इन उपकरणों के उपयोग को देखें। हम कृषि वेस्ट के बंडल को तौलने के लिए तराजू का उपयोग करते हैं। बड़ी मात्रा में कटी हुई सामग्री एकत्र करने के लिए हम एक रेक का उपयोग करते हैं। यह एक सुविधाजनक उपकरण है। एकत्रित वेस्ट को गोल या आयताकार आकार देने के लिए बेलर का उपयोग किया जाता है। बंडल को उठाने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए फोर्कलिफ्ट का उपयोग किया जाता है। एक फोर्कलिफ्ट का तंत्र यहां दिखाया गया है।
सुरक्षित परिवहन के लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। इस तरह हम संग्रह बिंदु स्थापित कर सकते हैं और संग्रह के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। सारांश: इस यूनिट में आपने निम्नलिखित कार्यों के बारे में सीखा है। कृषि वेस्ट एग्रीगेटर विभिन्न गांवों में वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए नोडल पॉइंट स्थापित करता है और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा परिवहन किए गए कृषि वेस्ट का प्रबंधन करता है। वह किसानों को उनके कृषि वेस्ट के संग्रह से संबंधित नोडल पॉइंट के बारे में भी सूचित करता है, जहां वे अपना स्टॉक एकत्र कर सकते हैं। कृषि वेस्ट एग्रीगेटर कलेक्शन पॉइंट पर विभिन्न उपकरण जैसे स्केल, रेक, बेलर, फोर्कलिफ्ट और ट्रैक्टर प्रदान करता है। विभिन्न गांवों में कलेक्शन पॉइंट स्थापित होने के बाद कृषि वेस्ट एग्रीगेटर किसानों से संपर्क करता है।